हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्नोबिस्ट इंडिया। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं वीवो के तरफ से एक बेस्ट कैमरा फोन की, जो है वीवो X80 एंड वीवो X80 प्रो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको क्या क्या फीचर्स दोनों में देखने मिलेंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा बढ़ते हमारे फोन की तरफ। दोस्तों, ये रहे हमारे दोनों भी फोन। तो ये जो है हमारा वीवो X80 प्रो है और ये जो है हमारा वीवो X80 है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोनों ही फोन के बॉडी फीचर्स के बारे में, तो 99 to 98% दोनों के बॉडी फीचर सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा वीवो X80 प्रो है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, इसमें जो है पेरिस्कोप सेंसर आपको देखने मिलेगा, और उसके साथ हमारा जो वीवो X80 है वहाँ पे पेरिस्कोप सेंसर मिसिंग है। इतना ही चेंजेस है दोनों ही फोन में, बाकी दोनों ही फोन के बॉडी फीचर सेम है। आपको दोनों ही फोन में देखने मिलेगा, यहाँ पे सर्कल माउंटेड कैमरा सेटअप आपको देखने मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप बाजू में देखेंगे तो आपको फ्लैश भी देखने मिल जाएगा, जहाँ पे वीवो जिस्ट को इंजीनियर करके लोगो दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप बात करेंगे इसके बैक पैनल के बारे में, तो इसका बैक पैनल का जो फिनिशिंग है वो बहुत प्रीमियम लगता है। अगर आप इसे टच करोगे तो आपको स्मूथ के साथ आपको यहाँ पे मैट वाला फील भी आ जाता है। उसके साथ अगर बात करूँ ब्रांडिंग के बारे में, तो देखिए दोनों ही फ़ोन के नीचे की तरफ वीवो की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से की हुई है। उसके साथ अगर बात करें फ़ोन के बॉटम साइड के बारे में, तो दोनों ही फ़ोन में आपको साथ में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है। उसके साथ आपको यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दोनों ही फ़ोन में दिखने मिल जाता है। उसके साथ बाजू में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी माइक, जो दोनों ही फ़ोन में सेम है। उसके बाजू में आपको यहाँ पे सिम ट्रे स्लॉट देखने मिल जाएगा। तो ये सिम ट्रे स्लॉट में आप 2 माइक्रो सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों, अगर बात करें फ़ोन के राइट साइड के बारे में, तो देखिए यहाँ पे राइट साइड पे आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो ये जो हमारा कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको देखिए यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स और हमारा लॉक बटन देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं फ़ोन के टॉप साइड के बारे में, तो टॉप साइड पे यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर करके लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। उसके साथ आपको बाजू में यहाँ पे सेकेंडरी माइक देखने मिल जाएगा। दोनों भी फ़ोन में आपको सेम फीचर्स देखने मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करूँ दोनों ही फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो दोनों ही फ़ोन में फनटच ओएस 12 आपको देखने मिल जाती है। उसके साथ में अगर इस फ़ोन के रोम और रैम के बारे में बात करूँ, तो दोस्तों हमारा जो वीवो X80 प्रो है वो हमें मिलता है यहाँ पे 256 GB रोम के साथ, और इसमें 12 GB की रैम देखने मिल जाती है, जिसे कि हम 4 GB एक्सपांड कर सकते हैं। उसके साथ में अगर बात करूँ इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 3 GHz का स्नैपड्रैगन 8th Generation 1 Octa-Core प्रोसेसर देखने मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं हमारे वीवो X80 की, तो दोस्तों यहां पे भी हमें फनटच ओएस 12 ही देखने मिलती है। उसके साथ जो इसका प्रोसेसर है वो हमारा 3.0 GHz का डायमेंसिटी 9000 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और उसके साथ अगर मैं बात करूं इसके रैम की, तो यहां पे हमें 8 GB रैम प्लस 4 GB एक्सपेंडेबल रैम हमें देखने मिल जाती है। उसके साथ अगर मैं बात करूं दोनों ही फ़ोन की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको यहां पे एंड्रॉयड वर्जन 12 देखने मिल जाएगा। तो दोनों ही फ़ोन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं। तो जो दोस्तों आपका नॉर्मल फ़ोन का जो एक्सपीरियंस रहने वाला है, उसमें आपको बिल्कुल भी लैग देखने नहीं मिलता है। दोनों भी फ़ोन जो है वो लैग फ्री है। उसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के बारे में, तो दोस्तों यहां पे आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में देखने मिल जाते हैं। तो एक्चुअली ये देखने नहीं मिलने चाहिए थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भी फ़ोन से अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करें दोनों ही फ़ोन के रैम मैनेजमेंट के बारे में, तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में कोई भी ग्लीचेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप दोनों फ़ोन देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी लैग वगैरह देखने नहीं मिलेगा। इसमें जो भी आपके एनिमेशन है वो बहुत स्मूथ है। हमारा जो वीवो X80 प्रो है, उसमें आपको 12 GB रैम देखने मिल जाता है, और उसके साथ हमारा जो वीवो X80 है, उसके साथ आपको 8 GB रैम प्लस 4 GB एक्सपेंडेबल रैम देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों के बॉडी फीचर्स वगैरह देख लिए, तो अभी हम दोनों फ़ोन का कंपैरिजन के साथ रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। तो ये हाथ में मेरे जो फ़ोन है, जो ब्लैक कलर का वेरिएंट है, वो है हमारा वीवो X80 प्रो, और इस हाथ में जो आप ये फ़ोन देख रहे हो, ये है वीवो X80। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों फ़ोन में है, जो इसमें हमारा जो X80 है, उसमें हमें पेरिस्कोप सेंसर कैमरा देखने नहीं मिलता है, जो कि हमारे वीवो X80 प्रो में अवेलेबल है। तो बाकी सब कैमरा सेटअप की बात करूँ, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा हमारे वीवो X80 प्रो की। तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है, उसमें आपको सैमसंग का GNN सेंसर देखने मिल जाता है, जिससे कि आपकी वीडियो स्टेबिलिटी बहुत सही हो जाती है। सेकेंड कैमरा जो आता है वो है हमारा अल्ट्रा वाइड कैमरा, वहाँ पे हमें 48 MP का सोनी सेंसर्ड कैमरा देखने मिल जाता है। थर्ड कैमरा हमारा जो आता है वो हमारा आता है टेलीफोटो लेंस, वहाँ पे भी हमें 12 MP सोनी सेंसर्ड कैमरा देखने मिल जाता है। और उसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा पेरिस्कोप सेंसर आपको देखने मिल जाता है, जो कि 8 MP का है, जिसमें आपको x6 ऑप्टिकल जूम और x60 डिजिटल जूम देखने मिल जाता है। तो चांद वगैरह का फोटो भी आप इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे वीवो एक्स
एटी की, तो वीवो एक्स एटी में भी कुछ कम स्पेसिफिकेशंस नहीं है। इसका भी जो प्राइमरी कैमरा है, प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल्स का ही देखने मिलता है, बट उसका सेंसर जो है वो सोनी का यहाँ पे यूज किया हुआ है, जबकि हमारे वीवो एक्स एटी प्रो में यहाँ पे सैमसंग का जेएनएन सेंसर यूज किया हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे भी हमें सोनी सेंसर्ड हमारा अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है, और उसके साथ जो थर्ड कैमरा है हमारा टेलीफोटो लेंस जो है वो भी 12 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें दोनों फोन के बैटरीज के बारे में, तो हमारा जो वीवो एक्स एटी प्रो है उसमें आपको 4700 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, और हमारा वीवो एक्स एटी जो है उसमें आपको 4500 की बैटरी देखने मिल जाती है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्लाइटली डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में, तो हमारा जो वीवो एक्स एटी प्रो है उसके अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने मिलेगा वो होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, और उसके साथ आपको वीवो V1 चिपसेट देखने मिल जाएगी। तो ये चिपसेट आपका जो बेसिकली कैमरा है, जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो इन्हांस करने में काम आएगी, और उसके साथ आपका जो भी गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी इन्हांस करने के टाइम पे ये चिपसेट आपको काम में आने वाली है। उसी तरीके से हमारे वीवो X80 में आपको यहाँ पे Dimensity 9000 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, और आपको वीवो V1 चिपसेट भी देखने मिल जाती है। तो बेसिकली दोनों ही फोन में आपको कैमरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से देखने मिलने वाला है। अभी बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों डिस्प्ले की बात है मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए आपको सबसे पहले तो डिस्प्ले जो है इसमें हमें LTPO डिस्प्ले देखने मिल जाएगा हमारा जो वीवो X80 प्रो है उसमें, और E5 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आपको पूरा देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1 to 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, और जैसे कि आपका कंटेंट होगा उस हिसाब से 2K से लेकर जो भी रेजोल्यूशन है वो आपको डिस्प्ले स्विच करके देगा, तो आपका व्यूविंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सही होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले के ब्राइटनेस के बारे में, तो यहाँ पे हमें 1500 nits का ब्राइटनेस देखने मिल जाता है। अगर मैं वीवो X80 के डिस्प्ले के बारे में भी बात करूँ, तो यहाँ पे भी हमें LTPO डिस्प्ले देखने मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले जो है वो दोनों का आसपास सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ इसके और एक डिफरेंस के बारे में, तो छोटा सा है बट आपको बताना जरूरी लगा इसके लिए बता रहा हूँ, कि दोनों के भी जो स्पीकर है वो दोनों के स्पीकर में जो आपको लाउडनेस देखने मिलेगी वो थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि हमारा वीवो X80 प्रो जो है इसका लाउडनेस मुझे स्लाइटली ज़्यादा लगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस तो है, तो मुझे आपको बताना ज़रूरी था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बात करते हैं कैमरा के बारे में, क्योंकि दोनों भी फ़ोन है या फिर आप कहिए वीवो की एक्स सीरीज़ जो है वो कैमरा के लिए फेमस है, क्योंकि बहुत सारे कैमरा फीचर्स फंक्शन इसमें हमें देखने मिलते हैं। तो दोनों फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों भी फ़ोन में आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने मिल जाएगी, बट अगर मैं बात करूँ वीवो X80 प्रो की, तो इसमें आपको 8K रिकॉर्डिंग 30 FPS पे भी देखने मिल जाएगी, बट और हमारे वीवो X80 में आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो 4K 60 FPS का देखने मिल जाएगा। एप्लीकेशंस तो हमने देख लिया, बट कैमरा सैंपल जो है वो मैं इस वीडियो के एंड में डालूंगा, और उसके साथ ही साथ हमारे कैमरा सैंपल्स जो भी रहेंगे उसको मैं नीचे एक लिंक में अपलोड करूंगा, और आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, तो आपको एक्चुअल में फोटोज़ कैसे क्लिक हुए हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी, कलर क्रिस्प वगैरह कैसे है, वो आप एक्चुअल में देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा वीवो X80 प्रो, तो चलिए इस पर कुछ फोटो क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सामने के फोटोज़ कुछ क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जूम थोड़ा चेंज करके देखेंगे कि कैसा फील आता है। देखिए क्लियरिटी कुछ भी ख़राब नहीं हो रही है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। आप देख सकते हो सामने जो ट्री है उसका मतलब हर एक डिटेल्स हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये फ़ोन जो है वो कैमरा के लिए जो पहचाना जाता है वो एक्चुअल में है। देखिए आप देख सकते हो हर एक डिटेल्स हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। स्विच करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं इसे अल्ट्रा कर देता हूँ। अल्ट्रा करने के बाद जो मैं FPS है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 8K रेजोल्यूशन पे 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और 4K पे 30 FPS और 60 FPS का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो व्यूइंग एंगल्स है वो बहुत सही है, क्योंकि दोनों भी फ़ोन में जो है आपको डिस्प्ले जो है वो सेम ही देखने मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो वीडियो प्ले किया है ये 2K रेजोल्यूशन पे प्ले किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 2K रेजोल्यूशन पे आपको कितनी अच्छी क्लियरिटी देखने मिल जाती है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके गेमिंग के बारे में, तो ये जो है हमारा वीवो X80 प्रो है, तो हमारा गेम मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो हमारी जो मैक्सिमम सेटिंग यहाँ पे क्या देखने मिलती है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में मैं जाऊँगा, ग्राफिक्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे अल्ट्रा HD का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप स्मूथ पे जाओगे तो स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम जो है ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बट इस चीज़ में हमारा जो वीवो
X80 है वो बहुत सही है गेमर्स के लिए, क्योंकि उसमें आपको 90 FPS का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है। वैसे ही दोनों फोन में आपको ये एक मोड यहाँ पे देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसे परफॉर्मेंस मोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको ई स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट कर सकते हो। इससे आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। ये हमारा वीवो X80, तो चलिए इसमें पबजी की क्या सेटिंग्स मैक्सिमम हमें देखने मिलती है ये एक बार देख लेते हैं। तो पबजी यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। मैं सेटिंग्स में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं ग्राफिक्स में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर मुझे ये देखने मिला कि अगर आप यहाँ पे स्मूथ सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 90 FPS का ऑप्शन आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा, जो कि आपको वीवो X80 Pro में भी अवेलेबल नहीं था, वो ऑप्शन आपको इस पे अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप गेमर हो तो आप इसे ले सकते हो। उसके साथ एक बात बताना चाहूँगा, हमारे दोनों ही फ़ोन में यहाँ पे हमें वीवो की V1 चिपसेट देखने मिल जाती है, जिससे आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन का सपोर्ट HDR तक है, तो Ultra HD तक का भी आपको सपोर्ट देखने मिल जाएगा। तो हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस और हमारा FPS जो है वो बूस्ट हो जाता है हमारे वीवो V1 चिपसेट से। तो दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना है, और आप थाने या मुंबई से हो, तो आप इसे ले सकते हो पैरागॉन डिपार्टमेंटल स्टोर से। अगर आप थाने से हो तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा पैरागॉन स्टोर के बारे में, क्योंकि पैरागॉन ऑलरेडी बहुत फेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो आप वहाँ पे जाके इन दोनों भी फ़ोन को परचेस कर सकते हो। वहाँ से लेने के लिए मैं आपको इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों भी फ़ोन के डेमो शॉप में अवेलेबल मिलेंगे, तो वहाँ पे आप दोनों भी फ़ोन का एक्सपीरियंस लेके वहां से परचेस कर सकते हो, तो आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर कुछ फाइनेंशियल इशू है तो फाइनेंशियल ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं एक शॉप आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है आफ्टर सेल सर्विस। तो मैं भी बहुत सारी चीजें यहाँ से परचेस करता हूँ, जैसे कि मेरे हेडफोन्स हो गए, मेरे स्पीकर्स हो गए, मैं यहाँ से परचेस करता हूँ क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत सही है यहाँ पे। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का परचेस करने और आप थाने से हो, तो आप पैरागॉन डिपार्टमेंटल स्टोर को जरूर विजिट कीजिएगा। उनके डिटेल्स, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके फोन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे विजिट करके एक्चुअल में एक्सपीरियंस लेके फोन परचेस कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे दोनों भी फोन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों, मैं आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पे लाल कलर का बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।